हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा एंड फौना लव। मैं हूं कोमल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लस्टर बीन्स कैसे ग्रो की जाती हैं। क्लस्टर बीन्स, जिसे कॉमनली गवार या ग्वार की फली भी कहा जाता है, इसे लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से इसे लगाया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सीज़न में इसे लगाया जाए, कैसी सॉइल इसके लिए सूटेबल है, कैसा टेम्परेचर इसे चाहिए। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसे लगाना इतना इजी है कि इसके लिए इवन आपको गार्डन की या ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप कंटेनर्स में, पॉट्स में या ग्रो बैग्स में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सबसे पहले आपकी सॉल्व हुई, इसलिए आप इसको बालकनी, इवन टेरेस पे भी लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बेसिकली एक समर सीज़न की क्रॉप है, गर्मी की फसल है, इसलिए इसे लगाने का, इसके बीज लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है फेब्रवरी टू मई, और सर्दियां आने से पहले तक ये आपको फली प्रोवाइड करता रहता है इसका प्लांट। इस प्लांट को लगाने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो ये कि डायरेक्टली आप इसे कंटेनर में या पॉट में लगा सकते हैं इसका सीड, और दूसरा मेथड ये होता है कि इसकी सैपलिंग्स यानी कि इसके पौध तैयार कर लें और फिर उसे अलग अलग कंटेनर में शिफ्ट कर दें। इसकी सॉइल बनाने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल ऐड कर सकते हैं और उसमें 40% कॉम्पोस्ट या मैन्योर या काउडंग फर्टिलाइज़र, किसी भी तरह की नेचुरल फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं। सॉइल को वेल ड्रेन बनाए रखना भी ज़रूरी है, इसलिए उसमें थोड़ी सी सैंड या कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं। पॉट के नीचे एक होल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होता रहे। इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है, ब्राइट सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए इसे धूप के एरिया में रखें या फिर जहाँ पर अच्छी लाइट आती हो ऐसे जगह पर ही रखें इसको, और वाटर आप रेगुलरली इसे करते रहें। पौधा लगाने के 60 डेज़ के बाद ये यील्डिंग शुरू कर देता है, यानी कि जब आपने पौधा लगाया, बीज लगाया, उसके 60 दिनों के बाद ये आपको फली देना शुरू कर देगा। इस प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, बस दो ही तरह की नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। पहली तो है चींटी और मिली बग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है इस प्लांट में, तो उसके लिए आप सिर्फ ये करें कि 1 लीटर वाटर में 1 स्पून नीम ऑयल को मिक्स करके स्प्रे कर दें, उससे आपको ये जो एंट्स की प्रॉब्लम है और मीली बग्स की प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें लीफ कर्ल वायरस की होती है। लीफ कर्ल वायरस में क्या होता है कि जो आपकी लीव्स हैं वो अपने आप ही कर्ल होना यानी मुड़ना शुरू कर देती हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये भी नीम ऑयल के स्प्रे से ठीक हो जाएगी, और साथ ही में आप इसे खट्टी छाछ को पानी में मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।